सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको घर बैठे वीडियो के साथ व डिजिटल माध्यम से कैसे पढ़ाई करें के संबंध में बताना चाहता हूँ। हम सभी कोरोना को हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके कारण हम घर पर ही रह रहे हैं। हमारे बच्चों को भी घर पर रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। यह पढ़ाई YouTube पर वीडियो अपलोड करके, वीडियो WhatsApp पर भेजकर, WhatsApp पर इंटरेक्शन करके, दीक्षा ऐप पर, NIS द्वारा संचालित स्वयं प्रभा चैनल, TCS आयन खान ऑनलाइन कक्षाएं आदि के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस प्रकार से पढ़ाई प्रभावी तौर पर नहीं हो पाती, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। हम डिजिटल माध्यम से भी पढ़ाई को प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। लर्निंग पिरामिड के अनुसार लेक्चर मेथड से 5% लर्निंग होती है, पढ़ने से 10% लर्निंग होती है, सुनने व देखने से 20% लर्निंग होती है, डेमोंस्ट्रेशन करने से 30% लर्निंग होती है, डिस्कशन करने से 50% लर्निंग होती है तथा प्रैक्टिस करने से 75% लर्निंग होती है, दूसरों को पढ़ाने पर या तत्काल उसका प्रयोग करने से 90% लर्निंग होती है। अतः आप घर पर रहकर जो वीडियो प्राप्त करते हैं उन्हें देखने व सुनने से तथा बार बार सुनने से आपको पढ़ाई समझ में आ जाएगी। उसके बाद यदि आप शिक्षक से इंटरेक्शन करेंगे तो और ज़्यादा पढ़ाई समझ में आ जाएगी। यदि आप शिक्षक के इंटरेक्शन के बाद प्रैक्टिस उसी दिन कर लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन यह नहीं सोचना कि घर पर डिजिटल माध्यम से पढ़ाई नहीं हो सकती है। इस समय हम घरों में मजबूरी के कारण रह रहे हैं। इस मजबूरी को कामयाबी बनाना हमारे ऊपर है। इसे मजबूरी ना मानकर एक मौका समझें तथा इस मौके व समय को पढ़ाई में पूरी तरह लगाएं, ताकि आपका समय भी अच्छे से व्यतीत हो और आपकी पढ़ाई भी प्रभावी तरीके से हो। अपने मन में ठान लें कि हमें पढ़ाई करनी है। अपने टीचिंग वीडियो को ध्यान से देखना व सुनना है। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है तथा उसी के अनुसार पढ़ाई करनी है। यदि आपने सोच लिया कि हमें पढ़ाई करनी है, मुझे चाहे जो हो पढ़ना ही है, जितना आज पढ़ाया जाए उसे आज ही पढ़ना है, तो पढ़ाई अवश्य होगी। पढ़ाई हमेशा मन से होती है, अतः आपको अपने मन को पढ़ने के लिए तैयार करना है। प्रतिदिन पढ़ाई सुनिश्चित करनी है तथा प्रत्येक विषय की पढ़ाई प्रतिदिन करनी है। पूर्व में पढ़ाए गए कंटेंट को भी दोबारा पढ़ना है। पढ़ी हुई विषय की प्रैक्टिस भी करनी है। लिख कर पढ़ाई करनी है। पहले टीचिंग वीडियो को देखें व सुनें, फिर उसके विषय में जो बिंदु समझ में नहीं आए उन्हें नोट करें, फिर उन बिंदुओं पर शिक्षक से इंटरेक्शन करें तथा इंटरेक्शन के बाद पुनः वीडियो देखें सुनें। यदि मुश्किल लगे तो 2 या 3 बार उसे देखें और सुनें, फिर उसके असाइनमेंट करें तथा अपनी किताब से भी उससे संबंधित प्रश्नों को करने की प्रैक्टिस करें। यदि सभी प्रश्न आपने हल कर लिए तो समझना कि वह टॉपिक समझ में आ गया। यदि आपके समझ में नहीं आया तो पुनः शिक्षक से ऑनलाइन इंटरेक्शन कर आप अपनी समस्या का समाधान करें। इस प्रकार से की गई पढ़ाई में आपको कभी यह नहीं लगेगा कि आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है। अतः समझ का सही प्रयोग करना ही समझदारी है, और इस समय का सदुपयोग कीजिए। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। सुबह प्रतिदिन योगा व एक्सरसाइज करें। अच्छा भोजन खाएं। अपने आप को सुरक्षित रखें। घर से बाहर न जाएं। किसी भी परेशानी में हमसे कॉन्टैक्ट करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस प्रकार आप और हम मिलकर कोरोना को भी हराएंगे, अपनी पढ़ाई भी करेंगे तथा सभी को दिखा देंगे कि हम हर परिस्थिति में पढ़ाई कर सकते हैं तथा कोरोना जैसी महामारी से जीत भी सकते हैं। जय हिंद।